आज हम चर्चा करते हैं तापमान के विषय पर। तापमान शब्द से ही आप सभी अच्छी तरह से परिचित होंगे। जैसे हमारे शरीर का तापमान होता है, कभी ये कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी 98 डिग्री टेम्परेचर है, कभी 102 हो गया तो हम कहते हैं कि बहुत तेज फीवर आया है। तो इस तापमान से ही बात हो रही है। तो आज तो हम जब हम भूगोल पर इस बात पर चर्चा कर रहे हैं तो हम वायुमंडल के तापमान के विषय में बात करेंगे। वायुमंडल को जो तापमान है वो कहाँ से मिलता है, हम पहले भी इस बात पर बात कर चुके हैं, चर्चा हो गई है हमारी कि वायुमंडल में जो तापमान या ऊष्मा की जो मात्रा होती है, सूर्य से जो किरणें या सूर्य का जो प्रकाश धरातल तक पहुंच रहा है, ये प्रकाश वापस से विकिरित किया जाता है रेडिएशन के द्वारा। अब इसमें और दो प्रक्रियाएं भी हमने पढ़ी थी कि संचालन की प्रक्रिया होती है और संवहन की प्रक्रिया। इन तीन प्रक्रियाओं के माध्यम से जब हमारे धरातल की सतह से वापस वायुमंडल में ऊष्मा छोड़ी जाती है या विकिरित की जाती है तो इससे ही वायुमंडल को ऊष्मा या ताप की मात्रा मिलती है। अब तापमान है क्या? तापमान को हम एक सरल शब्दों में या सामान्य शब्दों में हम यदि कहें तो तापमान जो है वो ताप या सूर्यातप की जो ऊष्मा की मात्रा या किसी भी पदार्थ की ताप की मात्रा, उसके मापने की इकाई को हम तापमान कहते हैं। हम इसे डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में भी मेज़रमेंट इसका करते हैं। अब हम थोड़ी और चर्चा करते हैं कि यदि हम इस विश्व में किसी भी क्षेत्र पे रह रहे हैं तो पूरे क्षेत्र में जैसे हम देखते हैं एक ही समय पे, एक ही दिन पे अलग अलग जगह पर अलग अलग तापमान मिलता है। जैसे रूस या साइबेरिया की बात करें तो वहाँ पर तापमान आज के दिन की यदि मैं बात करूँ तो यदि आज मैं छत्तीसगढ़ में रायपुर ज़िले में हूँ तो यहाँ का टेम्परेचर अलग होगा। अगर यहाँ पर 44 डिग्री टेम्परेचर है और जैसे जैसे हम हाई लैटिट्यूड पे जाते हैं, उच्च अक्षांशों में स्थित जो देश हैं या स्थान है वहाँ पर की हम बात करें तो आज ही के समय राजस्थान का टेम्परेचर अलग होगा और मैं यदि उच्च अक्षांश पर और चली जाऊँ, रूस या साइबेरिया या कनाडा की बात करूँ तो वहाँ पर का टेम्परेचर अलग होगा। तो ये तापमान में इस तरह के वेरिएशन क्यों मिलते हैं, क्या कारण है जो हमें एक ही जगह पर एक ही समय में तापमान में भिन्नता मिलती है? तो हम बात करते हैं कि तापमान की इस भिन्नता के कौन कौन से कारण हैं। ये सामने आपको दिख रहे हैं इतने पॉइंट्स हैं जो अलग अलग तरह से सभी स्थान को या सूर्यातप की जो मात्रा मिल रही है जिससे पूरी पृथ्वी की सतह गर्म हो रही है उसके तापमान में भिन्नता देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांश की। अक्षांश हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि सूर्य का जो प्रकाश हम तक पहुंचता है या पृथ्वी के धरातली सतह तक पहुंच रहा है तो क्या होता है कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र पे ये सूर्य की जो किरण है वो सीधी पड़ती है। तो जो भी चीज़ या प्रकाश की जो मात्रा सीधी या प्रत्यक्ष रूप से पड़ रही है हम यहाँ पर देख सकते हैं तो इसे कम क्षेत्र को गर्म करना पड़ रहा है जिससे यहाँ पर प्रकाश की मात्रा अधिक मिल रही है। और इसी समय पर हम देखते हैं कि उच्च अक्षांशों में जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, मतलब 23.5 उत्तर और 23.5 दक्षिण अक्षांशों के ऊपर यदि हम जाएं, लगभग 65.5 और ऊपर की तरफ जाते हैं तो लगभग तापमान जो है वो कम होता जाता है। क्यों कम होता जाता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सूर्य का जो प्रकाश है या सूर्य की किरण तिरछी पड़ रही है और इस तिरछी किरण पड़ने के कारण सूर्य के प्रकाश को बहुत सारा या भूमध्य रेखा के पास स्थित क्षेत्र से यहाँ पर अधिक क्षेत्र को गर्म करना पड़ रहा है जिसके कारण प्रकाश की मात्रा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई है और उस क्षेत्र को तापमान जो है वो कम मात्रा में मिल रहा है। तो ये हो गई अक्षांश की बात कि निम्न अक्षांशों का तापमान अधिक होगा और जैसे जैसे अक्षांशों में या ऊपर की तरफ उच्च अक्षांशों में हम बढ़ते जाएंगे तो वहाँ पर तापमान की मात्रा जो है वो क्रमशः हमको घटती जाती है या कम होती जाती है। अब हम दूसरा फैक्टर देखते हैं, ऊंचाई या एल्टीट्यूड।
यदि हम एल्टीट्यूड की बात करें तो हमने देखा अक्षांश तो जो हो गई वो हॉरिजॉन्टल या क्षैतिजिक हो गई। अब हम ये देखते हैं कि हम जिस सतह पर खड़े हैं इस सतह से यदि हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, ऊपर की तरफ मतलब वायुमंडल में ऊपरी सतह की तरफ बढ़ते जाते हैं, हमने पढ़ाई है ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर, तो धरातली सतह से जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाते हैं तो तापमान में हमको गिरावट या कम होने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। वो ऐसा क्यों? वो इसलिए होता है कि हमने पढ़ा है कि धरातल की सतह जो है वो लघु तरंगों के माध्यम से सूर्य का जो प्रकाश हम तक पहुंच रहा है वो लघु तरंगों के माध्यम से पहुंच रहा है। फिर पूरी ये धरातली सतह, हमारी पूरी धरातली सतह जो है वो गर्म हो जाती है और इसके गर्म होने के बाद वापस से इसमें ऊष्मा जो है वो वायुमंडल की तरफ छोड़ी जाती है या विकिरित की जाती है। तो इसी विकिरित की गई ऊष्मा के द्वारा वायुमंडल की जितनी भी ऊपरी सतह या पूरा वायुमंडल जो है वो हमारा गर्म होता है। तो हम देखते हैं ये प्रक्रिया दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण के द्वारा होती है, या इसमें हमने देखा विकिरण के साथ साथ कंडक्शन या संचालन और कन्वेक्शन या संवहन की प्रक्रिया के माध्यम से भी वायुमंडल जो है वो गर्म होता है। तो भाई पहले वायुमंडल की सतह, धरातल की सतह गर्म हुई और इस धरातल की सतह के गर्म होने के बाद ये पूरा निचला वायुमंडल जो उसके संपर्क में आ रहा है वो कंडक्शन और कन्वेक्शन प्रक्रिया के माध्यम से गर्म हो रहा है, या फिर जो दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण की प्रक्रिया इसमें हो रही है इसके द्वारा वायुमंडल की निचली सतह गर्म हो रही है। और हम सभी जानते हैं कि वायुमंडल की जो निचली सतह है उसमें जितने भी वायुमंडल में उपस्थित धूल कण है, जल वाष्प की मात्रा है, भारी गैसों की मात्रा है, ये क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करते हैं या अवशोषित करते हैं। अब इसके बाद हम जैसे जैसे वायुमंडल की ऊपरी सतह पर जाते जाएंगे तो हमको मालूम है कि वायुमंडल में उपस्थित इन सभी पदार्थों की मात्रा कम होती जाती है, या मैं यूँ कहूँ कि वायुमंडल, ऊपरी वायुमंडल की सतह जो है वो विरल होती है, मतलब कि वहाँ पर जो धूल कण हैं, जल वाष्प है या गैसों की मात्रा जो है वो कम होती जाती है। तो जब ये सूर्य के प्रकाश को कम मात्रा में अवशोषित करेंगे तो नेचुरली है कि वहाँ पर तापमान की मात्रा या तापमान जो है वो कम होगा। किसकी अपेक्षा? हमारे इस वायुमंडल की निचली सतह की अपेक्षा। तो दो कारण हो गए कि पहला तो निचला वायुमंडल की जो पूरी निचली सतह है वो क्या है? गर्म है। वो क्योंकि वो धरातल के सीधे संपर्क में आ रही है, उसके बाद उसके संपर्क में आने वाली वायुमंडल की जो ऊपरी सतह होगी वो उससे गर्म होगी, फिर उसकी ऊपरी सतह उससे गर्म होगी, तो क्रमशः तापमान का या टेम्परेचर का जो ट्रांसफ़र हो रहा है उस ट्रांसफ़र के कारण हम जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते जाएंगे तो तापमान में हमको कमी देखने को मिलेगी, तापमान हमको कम मिलता है। और ऊपरी सतह जो है वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी सतह होगी वहाँ पर तापमान की मात्रा बहुत कम होगी। तो ठीक है, ये बात हो गई ऊंचाई की या एल्टीट्यूड की, कि हम जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाएंगे तो हमको तापमान में वेरिएशन देखने को मिलता है। हाँ, अब ये वेरिएशन की जो हमने बात की कि हम जैसे जैसे किसी भी स्थान से ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो तापमान कम होता है, इसकी दर होती है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। इसका मतलब है अगर मैं इस सतह पर खड़ी हूँ और यहाँ पर का टेम्परेचर लगभग 11 डिग्री है तो इस 11 डिग्री सेल्सियस के बाद यदि मैं जैसे ही ऊपर की तरफ लगभग 1 किलोमीटर ऊपरी सतह पर या ऊंचाई पर जाती हूँ तो वहाँ पर यहाँ पर 11 डिग्री टेम्परेचर है और मैं यहाँ पर मान लो खड़ी हूँ, मेरी जितनी भी ऊंचाई होगी इस सतह की यदि मैं 1 किलोमीटर ऊंचाई पर और चली जाती हूँ तो वहाँ पर का जो तापमान है वो लगभग 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि प्रत्येक ऊंचाई पर या प्रत्येक 1 किलोमीटर की ऊंचाई में जाने पर तापमान में लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से गिरावट आती है।
अब हम तीसरा फैक्टर देखते हैं, समुद्र तट से दूरी। तो समुद्र तट से दूरी या समुद्र से जो लगा हुआ क्षेत्र है वो भी तापमान में वेरिएशन लाता है। जैसे कि यदि हम बात करें दिल्ली के टेम्परेचर की, राजस्थान के टेम्परेचर की या उत्तर प्रदेश के टेम्परेचर की, तो इन सब की अपेक्षा आपका चेन्नई का, विशाखापट्टनम का, या मैं मुंबई की बात करूं या केरला के तट की बात करूं, जो कि पूरे समुद्र तटीय क्षेत्र हैं या समुद्र के पास स्थित क्षेत्र हैं, वहां पर तापमान में हमको बहुत अंतर देखने को मिलता है। जो समुद्र से सटा हुआ या समुद्र से लगा हुआ क्षेत्र होता है वहां पर तापमान में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को हमको नहीं मिलता, क्योंकि हमको जल और स्थल जो भी लैंड एरिया हैं या जो वाटर बॉडीज़ हैं उनकी प्रवृत्ति हमको पता है कि जो स्थल भाग होते हैं वो जल्दी गर्म हो जाते हैं और जल्दी ठंडे होते हैं। वहीं जो जली हिस्से हैं या जली भाग हैं या समुद्र जो हैं वो देर से गर्म होते हैं और देर से ठंडे होते हैं। कारण क्या होता है? कारण हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि जो लैंड एरिया होता है, भूमि जो है धरातल में सूर्य की किरणें, क्योंकि वो सॉलिड है, ठोस है, तो सूर्य का जो प्रकाश है वो बहुत गहराई तक उसमें नहीं जाता, उसकी ऊपरी सतह को बस गर्म करता है। तो जो थोड़ा ही हिस्सा गर्म करना पड़ रहा है तो वो जल्दी गर्म हो जाएगा और उतनी ही जल्दी वापस से उसमें विकिरण की प्रक्रिया होगी, तो उसके कारण वो उतनी ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है। लेकिन हम जल की बात करें तो जल जो है वो लिक्विड है, तो उसमें क्या होता है, और दूसरी चीज़ लिक्विड होने के साथ साथ ये सूर्य के प्रकाश के लिए पारदर्शी होता है, तो सूर्य का जो प्रकाश है वो बहुत गहराई तक जल में प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण जली हिस्से का बहुत अधिक हिस्सा गहराई तक गर्म होता है। तो जो जिस भाग को अधिक गहराई तक गर्म करना पड़ रहा है उसको गर्म होने में भी अधिक समय लगेगा और वापस जब उसमें विकिरण की प्रक्रिया होगी तो भी उसको ठंडा होने में भी वो बहुत जल्दी से ठंडा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जल की पहले ऊपरी सतह, फिर क्रमशः निचली सतह, फिर निचली सतह जैसे गर्म होगी वैसे ही पहले निचली सतह से विकिरण होगा, फिर ऊपरी सतह से, फिर ऊपरी सतह से, तो उसको गर्म होने में जितना समय लगता है उतना ही ठंडा होने में भी समय लगेगा। साथ ही यदि हम बात करें कि इसको इसका जो स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, मतलब एक ग्राम जल, या मैं ग्राम भी नहीं, हम एक यूनिट में ले लें, एक यूनिट जल को गर्म करने में जितना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, जितने तापमान की आवश्यकता होती है जिससे वो अधिक गर्म हो रहा है, जितना भाग आपका स्थल भाग होता है उससे ही उससे ज़्यादा जो है वो जल को गर्म होने में उसका टेम्परेचर उपयोग होता है। तो जब एक ग्राम जल को, यदि हम फिर से मान लें कि हम एक ग्राम जल को उसका टेम्परेचर या गर्म करने के लिए हमें एक डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है वो बढ़ाना पड़ रहा है, तो जितना डिग्री टेम्परेचर उसको बढ़ाना पड़ रहा है उसको गर्म करने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि एक डिग्री के बाद हम 0.5 डिग्री में ही हम उसका टेम्परेचर वापस उसमें से ऊष्मा छोड़ दी जाए तो वो एकदम ठंडा हो जाएगा। जितना उसको गर्म करने में जितनी ऊष्मा उपयोग की गई है उतनी ही ऊष्मा वापस से उसमें छोड़ी जाएगी या विकृत की जाएगी, तभी उसका टेम्परेचर जो है वो पहले के समान होगा। तो ये दो कारण हमने देखे कि जिसके कारण समुद्र तट से लगा हुआ जो हिस्सा है वहाँ पर भी हमको तापमान में अंतर देखने को मिलता है। मतलब जैसे दिल्ली है तो दूर दूर से कहीं से भी उसका समुद्र तटीय क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है, वो बहुत दूर स्थित जगह है, चारों तरफ से वो लैंड से घिरा हुआ है, भूमि से घिरा हुआ है, तो इसके कारण वहाँ पर का तापमान बहुत जल्दी बढ़ जाता है। हम देखते हैं गर्मियों में वहाँ लू चलती है जिससे बहुत लोग मर जाते हैं, वहीं ठंड के समय में हम देखते हैं कि वहाँ शीतलहर चलती है, तो तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। लेकिन हम अभी हमने बात की कि केरला या मुंबई की हम बात करें तो यदि हम यहाँ पर ठंड में चले जाएं या गर्मी में चले जाएं, दोनों में ही ना तो तापमान बहुत ज़्यादा होगा ना ही बहुत कम, मतलब तापमान में वेरिएशन हमको बहुत कम देखने को मिलेगा, और ये असंभव हो पाता है वहाँ पर स्थित जो जल है या स्थल के स्वभाव के कारण।
अब चौथा फैक्टर हम देखते हैं, फिर नेक्स्ट जो है वो आपका भूमि का ढाल। भूमि का ढाल, जो धरातल का ढाल, जैसे हम पर्वतीय हिस्से में चले जाएं, तो भूमि का ढाल या पर्वत का जो ढाल है जो सूर्य के सामने होगा, हम देख रहे हैं यहाँ पर एक पर्वतीय क्षेत्र है, ये सूर्य है, तो सूर्य के सामने जो ये ढाल स्थित है वहाँ पर तापमान की मात्रा अधिक होगी कि क्योंकि इसे प्रकाश की मात्रा अधिक मिल रही है। लेकिन हम देखें कि इस ढाल के पीछे विमुख वाले क्षेत्र में सूर्य की किरणें जो हैं वो तिरछी पड़ रही हैं और साथ ही वो बैकवर्ड साइड भी है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश जो है वो कम प्राप्त हो रहा है, और सूर्य का प्रकाश कम प्राप्त हो रहा है तो वहाँ पर तापमान की भी मात्रा जो है वो कम होगी। तो ये हो गया भूमि का ढाल। अब नेक्स्ट फैक्टर हम देखते हैं धरातलीय गुण। धरातलीय गुण मतलब जो धरातल का रंग होता है, या रंग के साथ साथ वो धरातल आद्र है या शुष्क है। आद्र है शुष्क है मतलब वहाँ पर ह्यूमिडिटी मॉइस्चर की मात्रा अधिक है, या वो शुष्क बालू वाला रेगिस्तानी या मरुस्थलीय क्षेत्र है, या हम देखें वहाँ पर कि मिट्टी या चट्टानों का रंग गहरा है, या कहीं पर मिट्टी या चट्टान का रंग जो है वो हल्का है। तो हम ये बात देखते हैं कि हम जब गर्मी का मौसम होता है तो हम क्या करते हैं, हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। हल्के रंग के जो कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को वापस रिफ्लेक्ट परावर्तित कर देते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते, अवशोषित नहीं करते, जिसके कारण हमें गर्मी कम लगती है। और यदि हम गहरे रंग के कपड़े या काले रंग के हम कपड़े पहन ले तो हम क्या देखेंगे कि वो सूर्य के प्रकाश को उतनी ही अधिक मात्रा में अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण हमें अधिक गर्मी महसूस होती है। तो ठीक यही बात होती है कि जो धरातल होता है, धरातल का रंग यदि वहाँ पर की चट्टान जो है वो हल्के रंग की है तो वो सूर्य के प्रकाश की मात्रा को कम अवशोषित करेगी, रिफ्लेक्ट ज़्यादा कर देती है, परावर्तित कर देती है, जिसके कारण उस स्थान का जो तापमान है वो कम होगा। साथ ही यदि वहाँ पर मॉइस्चर है ना, तो मॉइस्चर के कारण वेपोरेशन भी होता है, तो वहाँ पर सूर्यताप की मात्रा कम अवशोषित की जाएगी, या जितनी मात्रा अवशोषित की जा रही है वो वेपोरेशन में या वाष्पीकरण में खर्च हो जाएगी। लेकिन जो शुष्क बालू वाला जो क्षेत्र है, जैसे हम मरुस्थली क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ पर क्या होगा कि बहुत अधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश की मात्रा को अवशोषित किया जाता है, जिसके कारण वहाँ पर गर्मी या तापमान जो है वो हमको अधिक महसूस होती है, या अधिक अवशोषित भी की जाती है। तो ये हो गया धरातल का स्वभाव। अब हम बात करते हैं प्रचलित पवन की। प्रचलित पवन, किसी स्थान पर जो हवाएं चलती हैं, हमने बात की है कि हम अपने पृथ्वी पर देखते हैं प्रिवेलिंग विंड्स, ग्रही हवाएं, परमानेंट विंड्स चल रही हैं, मतलब हम भूमध्य रेखा से कर्क और मकर रेखा के बीच देखते हैं तो स्टर्लीज या व्यापारिक हवाएं चल रही हैं, फिर हम ऊपर या उत्तर की तरफ जाते हैं तो वेस्टर्लीज, और लगभग ध्रुवों के पास हम देख रहे हैं कि हमें ध्रुवी हवाएं जो हैं वो नज़र आ रही हैं। तो भाई नेचुरली है ना कि यदि कोई हवा जो उष्णकटिबंधीय या गर्म क्षेत्र से, या मैं ये कहूँ कि वो भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ जा रही है या भूमध्य रेखा की तरफ से प्रवाहित हो रही है, तो उस हवा की प्रवृत्ति क्या होगी, क्योंकि वहाँ पर का एटमॉस्फियर या वायुमंडल जो है वहाँ का तापमान अधिक है, गर्म है, तो वहाँ पर चलने वाली हवा भी जो है वो कैसी होगी, गर्म होगी। लेकिन यदि हम उसी को ध्रुवों की बात करें तो जो हवाएं ध्रुव की तरफ से आएंगी गर्म प्रदेशों में, तो वो चूँकि ध्रुव से हवा जो चल रही है वो कैसी होगी, ठंडी होगी, ध्रुवी हवाएं ठंडी होंगी। तो नेचुरली है कि अगर वो गर्म क्षेत्र में आ रही हैं तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र का एटमॉस्फियर गर्म है, तो वहाँ पर का तापमान वो पहले से थोड़ा सा कम कर देगी, और जो गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की तरफ जा रही है तो चूँकि वो हवा गर्म क्षेत्र से जा रही है इसलिए वो हवा गर्म होगी। ये हो गई प्रचलित पवनों की बात। अब हम देखते हैं धाराएं। धाराएं जो हैं ये इनकी भी प्रवृत्ति अलग होती है, कहीं पर ठंडी जलधाराएं बहती हैं, कहीं पर गर्म जलधाराएं बहती हैं।
तो जिस क्षेत्र में वो प्रवाहित हो रही हैं तो अपनी प्रवृत्ति से उस तटीय क्षेत्र की जलवायु को वो मतलब तापमान वहाँ पर का बढ़ा देगी या वहाँ पर का तापमान कम कर देगी। जैसे कि हम उत्तरी क्षेत्र में बात करें कनाडा की, तो वहाँ पर देख रहे हैं हम लेब्राडोर की ठंडी जलधारा बह रही है, जिसके कारण वहाँ पर का तापमान जो है वो उस तटीय क्षेत्र का तापमान कम होता है। लेकिन हम उससे जैसे ही मध्य अमेरिका के आसपास और उत्तर मैक्सिको से ऊपर हम यूएसए की तरफ बढ़ते हैं, तो वहाँ पर गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा बह रही है, जिसके कारण वहाँ पर का उस तटीय क्षेत्र का तापमान उसकी अपेक्षाकृत अधिक होगा। तो नेचुरली है कि जहाँ पर जैसी जलधारा प्रवाहित हो रही है, उस जलधारा के प्रभाव से जो आसपास के तटीय क्षेत्र हैं उनका स्वभाव भी गर्म या ठंडा होगा, मतलब वहाँ पर का तापमान अधिक या कम होगा। अब नेक्स्ट जो है वो स्थानीय हवाएं। स्थानीय हवाएं भी जो है तापमान के वेरिएशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जिस स्थान पर कोई स्थानीय हवा चल रही है, वो उस हवा की भी प्रवृत्ति क्या होगी कि या तो वो गर्म होगी या ठंडी। हम अपने भारत के संदर्भ में देखते हैं, हमारे भारत में ग्रीष्म ऋतु में पूरे उत्तरी भारत में लू, जो बहुत गर्म हवा है, वो चलती है, जिसके कारण हमारा पूरा उत्तरी भारत जो है वो गर्मी से उबलता रहता है। लेकिन यहीं हम देखेंगे उत्तर पूर्वी ठंड के समय में इन हवाओं के कारण शीतलहर चलती है, जिससे वो वहाँ पर का तापमान जो है वो एकदम कम कर देती है। तो इसी संदर्भ में हम देखते हैं रॉकी पर्वत के पश्चिमी छोर पर आपकी चलती हैं चिनुक हवाएं। ये चिनुक हवाओं की प्रवृत्ति होती है गर्म, और ये जैसे ही रॉकी पर्वत श्रेणी की पूर्वी ढाल पर उतरती हैं तो अपनी गर्म प्रवृत्ति के कारण वहाँ पर जमी बर्फ को पिघला देती है। तो हमने देखा कि ये तापमान के वेरिएशन में वहाँ पर चलने वाली स्थानीय हवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये तो बात हो गई कि तापमान में वेरिएशन हमें किन फैक्टर्स या किन कारणों के से मिलते हैं, लेकिन ये तापमान में अंतर हमें हम जैसे समाचार में आप देखते होंगे कि डेली टेम्परेचर दिखाता है, आज का तापमान कितना था, कितना है, कल का तापमान कितना था, है ना। तो ये तापमान क्या होता है, ये रोज़ रिकॉर्ड की जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं दैनिक तापमान। अब दैनिक तापमान मतलब एक दिन में मैक्सिमम टेम्परेचर भी नोट किया जाएगा और मिनिमम भी, अधिकतम तापमान भी होगा और न्यूनतम भी, मतलब जब एब्जॉर्व की जा रही है तो ये एक दिन का पूरे दिन में जो तापमान अधिकतम सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम दिन का अधिकतम तापमान कहते हैं, और किसी दिन का जो सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम उस दिन का न्यूनतम तापमान कहते हैं। और एक दिन में अधिकतम तापमान जो है वो लगभग आपके दिन में या दोपहर के समय जो है 3 से 4 बजे के बीच, 4 बजे के आसपास जो है वो नोट की जाती है, और वही दिन का न्यूनतम तापमान जो है वो इस उस दिन के सुबह में लगभग 4 से 5 बजे के बीच जो है वो नोट की जाती हैं। तो हम देखेंगे कि सूर्योदय से लेकर जैसे जैसे सूर्य का जो एंगल है वो हमारे सिर के ऊपर 90 डिग्री तक आ रहा है, और उसके बाद धीरे धीरे वो छिपता जाता है, हमारे बैकवर्ड साइड में आता है, जिसे हम बोलते हैं कि शाम, और उसके बाद फिर क्रमशः रात हो गई। तो भाई दिन के मतलब जो सूर्योदय हो रहा है तब से लेकर सूर्यास्त तक क्या हो रहा है, जब तक मतलब सूर्य हमारे सामने चमक रहा है तब तक हमारे धरातल की सतह जो है वो उस सूर्य के प्रकाश से गर्म हो रही है। तो इसी कारण दिन का तापमान जो है वो अधिकतम लगभग आपके 4 से 5 बजे के बीच में नोट की जाती है, और जितनी मात्रा जो ग्रहण की गई है, जो अवशोषित की गई है, वो वापस उसमें क्या की जाएगी, छोड़ी जाएगी विकिरण के द्वारा। तो इस विकिरण की भी जो मात्रा है वो सूर्यास्त से लेकर फिर दिन के सूर्योदय के समय तक की होती है। तो इसी कारण न्यूनतम तापमान भी आपका सुबह के लगभग 4 से 5 बजे तक नोट किए जाते हैं।